वेलकम टू के फनी ट्यूबर। हैप्पी न्यू ईयर। ओह भैया देखो न्यू ईयर आ चुका है पर अभी तक हमने कोई वीडियो ही नहीं बनाया। कनक हमने वीडियो इसलिए नहीं बनाया क्योंकि जो हमारे फ्रेंड्स हैं वो हमें सपोर्ट ही नहीं करते तो और वो हमें लाइक और सब्सक्राइब करते ही नहीं है, हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, तो वीडियो हम कैसे बनाए। अरे भैया पुरानी बातों को भूल जाओ, ये न्यू ईयर आया है तो हमारे फ्रेंड्स हमें सपोर्ट करेंगे, वो हमारे वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, है ना फ्रेंड्स, करोगे ना ऐसा। हाँ अरे कनक मुझे, मैं तो बोर हो रहा हूँ, न्यू ईयर भी आ गया है, अब हम क्या करें। हाँ भैया आपको पता है हमें न्यू ईयर रिजोल्यूशन लेना चाहिए, बड़े बड़े जो सेलिब्रिटीज हैं वो भी बहुत अच्छे न्यू ईयर रिजोल्यूशन ले रहे हैं। अरे बातों की नानी, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज की छोड़, पहले ये तो पता है तू क्या रिजोल्यूशन लेगी। नहीं भैया पहले आप बताओ। अच्छा ठीक है मैं बताता हूँ, तो मैं रिजोल्यूशन लूंगा कि मैं, हाँ अब से मैं जंक फूड नहीं खाऊंगा। क्या ऐसा ये हो ही नहीं सकता, जिसे कोई नहीं छोड़ सकता फास्ट फूड वो नहीं खाओगे, इट इज नॉट पॉसिबल। अरे कनक अब मैंने प्रॉमिस करा है तो मैं अब फास्ट फूड नहीं खाऊंगा। ये झूठ है। अरे उसकी छोड़ो वो देख लेंगे, पहले आप बताओ आप क्या रिजोल्यूशन लेती हो। मेरा न्यू ईयर रिजोल्यूशन ये है कि मैं अब से कभी झूठ नहीं बोलूंगी। झूठ नहीं बोलूंगी? हाँ ये जो सबसे ज्यादा झूठ बोलती है वर्ल्ड में वो झूठ नहीं बोलेगी, ऐसे तो कभी भी नहीं हो सकता। भैया वैसे ही मैं झूठ इतना कम बोलती हूँ पर अब मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगी। देखो ये भी तो झूठ हो गया। ये सच है। अरे कोई बात नहीं, पर कनक देखो मैंने भी अपना रिजोल्यूशन ले लिया, आपने भी, पर हमने एक मेन रिजोल्यूशन तो लिया ही नहीं। अरे अब कौन सा बचा है ये क्योंकि वो तो हमारे अपने अपने रिजोल्यूशन हो गए, तो हमें एक कॉमन रिजोल्यूशन लेना चाहिए जिस जो हम दोनों का हो। हाँ तो वो रिजोल्यूशन है कि हम रोज जल्दी उठेंगे। हाँ ये अच्छा है, और मैं कुछ ऐड कर रही हूँ कि हम लोग फिर योगा भी करेंगे, और देखो हम फिट भी नहीं है तो हम फिट भी हो जाएंगे। अरे वाह कनक आपने तो बहुत अच्छी चीज ऐड करी है। ठीक है भैया अब से हम ऐसा ही करेंगे। वी शैल ओवरकम, वी शैल ओवरकम वन डे। ये भैया आपने कैसे किया, आपने मेरी टीममेट को मार दिया। अरे कनक मैं एक्सपर्ट हूँ, मैं जीतने वाला हूँ। नहीं नहीं नहीं, अरे मैं जीत गई। कनक मुझे तो खेलते खेलते मेरे तो पेट में दर्द होने लगा, मुझे तो भूख लग रही है। अरे भैया मेरे पेट में तो चूहे क्रिकेट खेले, एक ने तो छक्का भी मार दिया। अरे तो पूछो ना मम्मा आज खाने में क्या बनाया है। बेटा मैंने ब्रेकफास्ट में कनक के लिए तो बर्गर बनाया है और तुम्हारे लिए ऑनियन का पराठा, क्योंकि तुमने तो न्यू ईयर रिजोल्यूशन लिया था। क्या मम्मा ऑनियन का पराठा? हाँ कनक तुम्हारा बर्गर रेडी है, तुम आके ले जाओ बेटा। ओके मम्मा। पहले दिन ही बर्गर क्यों बना दिया मेरे रिजोल्यूशन का? टेस्टी टेस्टी बर्गर। हाँ भैया इसमें स्मेल भी आ रही है, देखो तो एक बार। अरे कनक मुझे पता है इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है, स्मेल भी बहुत अच्छी होती है, मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है बार बार, चिढ़ा रही है मुझे, हट मैं तो अपना ऑनियन का पराठा। ओ बर्गर मैंने तुम्हें कितने दिन मिस किया, कितने दिनों बाद तुम मुझे मिले हो। यम्मी, दिखने में तो टेस्टी लग रहा है। रुको भैया आप मेरे बर्गर का ध्यान रखना, मैं 2 मिनट में अपनी वाटर बोतल लेके आती हूँ। ठीक है मम्मा। भैया को बताने मत देना कि मैं एक्टिंग कर रही हूँ। अरे यार कनक वाटर बोतल लेने गई है, कनक मेरे लिए भी लाना। अच्छा ठीक है। नहीं
नहीं, मैंने ऐसा रिजोल्यूशन क्यों लिया? नहीं, We shall overcome. नहीं, अब मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, अब तो कंट्रोल नहीं हो सकता। भैया, द न्यू ईयर रिजोल्यूशन। कोई भी न्यू ईयर रिजोल्यूशन रिजोल्यूशन नहीं है। मुझे पता था, तभी मैं बहाना बनाने चली गई थी कि मुझे पानी पीना है। देखा भैया, अब तो एक दिन भी नहीं है इस रिजोल्यूशन को ले पाए। अरे यार, मैं क्या करता, मम्मा ने पहले दिन ही इतना टेस्टी बर्गर बना दिया, मेरा फेवरेट है। पर आपने मेरा बर्गर खाया। मुझे ऑनियन का पराठा खाना पड़ेगा। हाँ कनक, मम्मा आप ऑनियन का पराठा ले आओ, कनक वो खा लेगी। ओके। मेरा बर्गर। चलो कनक, आप हाफ ये खा लेना और हाफ पराठा खा लेना। ठीक है ठीक है, पर आपको भी हाफ पराठा लेना है। ठीक है, मैं ले लूंगा। ठीक है। अरे कनक, हम तो खेलते खेलते भूल गए, आपकी क्लास नहीं है आज। सॉरी, मैंने तो आज होमवर्क तक नहीं किया। अरे भैया, मैं हैंडल कर लूंगी। अरे मैम डांटेंगी आपको। कुछ नहीं डांटेंगी, मैं कर लूंगी हैंडल। ठीक है, फिर देखते हैं। चलो। अरे हैंडल करते करते हैंडल करोगी कैसे? करोगी, झूठ बोलोगी आप? अरे मैं कर लूंगी, आप ज्यादा टेंशन। अगर कना आपने झूठ बोला फिर तो मेरा तो पहले से टूट ही गया रिजोल्यूशन, आपका भी टूट जाएगा, फिर बस हम दोनों का कॉमन रिजोल्यूशन बचेगा। देख लेना आप, मैं क्या। ठीक है। गुड मॉर्निंग कनक बेटा। गुड मॉर्निंग मैम। कनक, कल तुमने होमवर्क सबमिट तो नहीं किया? मैम, कल मेरी तबीयत खराब थी। अरे कनक, ये पीछे से हंस कौन रहा है? अरे मैम, मेरा भैया टीवी देख रहा है। अच्छा कनक, तुम बीमार थी तो अपने, चलो मम्मी को बुला के लाओ। मैम, मेरी मम्मी नानी के घर गई है। अरे मम्मी नानी के घर गई है तो अपने पापा को बुला के लाओ। अरे मैम, मेरे पापा तो कुछ दिन पहले ही ऑफिस के काम से बैंगलोर गए थे। अरे तो क्या तुम घर पे अकेली हो बेटा? यस मैम, मैं क्या कर सकती हूँ। तुम भी ना, कोई बात नहीं, होमवर्क कल जरूर सेंड करना मुझे, अभी तुम रेस्ट कर लो। ओके मैम। हो कनक, तेरे रिजोल्यूशन चौपाट, तू झूठ बोले तूने पांच। मैंने तो एक भी झूठ नहीं बोला। अच्छा, तूने एक भी झूठ नहीं बोला? अरे झूठों की प्रिंसेस, इतने सारे झूठ पे झूठ बोले जा रही है और कह रही है मैंने अभी तक झूठ ही नहीं बोला। यार भैया, मेरा भी रिजोल्यूशन खत्म, आपका तो पहले से ही खत्म, अब बस एक ही बचा जो है वो कॉमन रिजोल्यूशन। देखो, हमने रिजोल्यूशन तो पहले बहुत अच्छे से लिए थे कि हम ये जरूर करेंगे और एक ही दिन में टूट गए सारे। कनक, मेरे पास एक आइडिया है, हम दोनों रिजोल्यूशन को नेक्स्ट ईयर के लिए पोस्टपोन कर देते हैं। ये सबसे अच्छा आइडिया है। बंटी बेटा चार बज गए, बट टाइम कैसा भी हो बस बंटी बेटा चार बज गए, इसका अलार्म सेट करना पड़ेगा। और भैया आप भी उठो, जाओ फ्रेश हो के आओ। चलो ठीक है, मैं फ्रेश होने जा रहा हूँ। चलो भैया तो गया, मैं तब तक अपनी थोड़ी सी नींद ले लेती हूँ। अरे कनक, तो फिर से सो गई?
उठ जाओ, हमारे रिजोल्यूशन लिया था हमने कि हम सुबह 6 बजे उठकर योगा करेंगे। अरे भैया ना हम कल कर लें। अरे कनक मैं भी यही कहने वाला था, चलो तो नेक काम में देरी कैसी, चलो सोते हैं। गुड नाइट भैया। गुड नाइट। शौर्य कनक उठ जाओ बेटा, 8 बज गए, क्लास नहीं है क्या आज तुम्हारी? अरे मम्मा उठ रहे हैं। भैया भैया हमारा न्यू ईयर रेजोल्यूशन। न्यू ईयर रेजोल्यूशन क्या होता है? अरे हाँ मुझे याद आ गया, हम तो भूल ही गए, हमने तो इतना रिजोल्यूशन बढ़ चढ़ के बोला था कि हम रोज सुबह उठेंगे और फिर योगा करेंगे और पहले दिन ही फेल हो गए, क्या करें। सिर्फ ऐसा करते हैं भैया, इस रिजोल्यूशन को हम लोग नेक्स्ट ईयर के लिए पोस्टपोन कर देते हैं। अरे कनक तो मुझे भी कुछ बोलने दिया कर, मैं जो बात बोलता हूँ वो सारी तू बोल देती है। कनक हमारे रिजोल्यूशन 2 दिन तक नहीं टिक पाए। हाँ तो फ्रेंड्स क्या आपके साथ भी सेम ऐसा ही हुआ? अगर ऐसा ही हुआ तो प्लीज हमें अपना एक्सपीरियंस शेयर जरूर करना और हमारे वीडियो को क्या करना, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें मोटिवेट होते हैं हम, और जिससे हम और भी अच्छे अच्छे वीडियोस बनाएंगे। और अपने फ्रेंड्स को शेयर करना मत भूलना। ओवरकम, वी शैल ओवरकम। सो बाय।